क्या लगता है कि अफगानिस्तान का जो अच्छा और सच्चा और पक्का दोस्त है वो कौन से कंट्री लगती है आपको, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान बेहतर दोस्त है। पाकिस्तान बेहतर दोस्त आपको लगता है कि रिसेंटली अभी जो उनसे हालात चल रहे थे अपने देश से बढ़कर मदद किसने की अफगानिस्तान की? वो जाहिर बात है पाकिस्तान ने की होगी, इंडिया ने की। इंडिया ने की। जिस तरह उन पर जब भी मुश्किल हालात आते हैं तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पर मुश्किल हालात चले, पाकिस्तान के अपने भी हालात नो डाउट के बहुत खराब जा रहे हैं इस टाइम, किसी के भी कंट्री के हेल्प करने के लायक नहीं है। तो अभी रिसेंट भी कंट्री के हेल्प करने के लायक नहीं है, तो अभी रिसेंट गजब बेइज्जती है। इंडिया से हेल्प मांग रहा है कि जो का उनका जो सबसे बड़ा जो फॉरेन मिनिस्टर है जो तालिबान का, वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है कि भाई आप हमारी हेल्प करो, हमें ये जो उनसे क्राइसिस में फंसे हुए हमें इससे निकलवाओ। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ, हम सब है, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। सो ही हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, ढेर सारा स्वागत है। तो गाइस एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम काफी कुछ सुनने वाले हैं अपने इंडिया के बारे में ही और पाकिस्तान वालों के बारे में भी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों से अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया है कि अफगानिस्तान किसके ज्यादा क्लोज है, पाकिस्तान के या इंडिया के, मतलब कि अफगानिस्तान अपना दोस्त किसको मानता है। एज अफगानिस्तान ऑल्सो एक मुस्लिम कंट्री है तो ऑब्वियसली उस हिसाब से वो पाकिस्तान को अपना क्लोज ही डिक्लेयर करेगा, बट स्टिल हमको लगता है कि ऐसा इसका अपोजिट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमको ये पता लगा है कि अफगानिस्तान इंडिया के काफी ज्यादा क्लोज है, बट वही चीज उन लोगों ने पाकिस्तान वाले लोगों से पूछी है कि उन लोगों को क्या लगता है कि अफगानिस्तान किसको अपना दोस्त मानता है, पाकिस्तान को या इंडिया को। और हालांकि उनको ये सुनने में भी आया कि अफगानिस्तान किसी चीज में हेल्प मांग रहा है तो वो इंडिया की हेल्प ले रहा है ना कि पाकिस्तान की, तो ऐसा क्यों है, क्या रीजंस है? तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये कि आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान का जो अच्छा और सच्चा और पक्का दोस्त है वो कौन सी कंट्री लगती है आपको, पाकिस्तान या फिर इंडिया? यार जब तक अशरफ गनी की हुकूमत थी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया था दोस्त, क्योंकि इंडिया अपने जो है ना हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ वो भी, और वहाँ पे जो है ना इस तरह जो है ना हाइब्रिड वार वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। और जब से तालिबान की हुकूमत बनाने में ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के इसमें हाथ हैं, तो पाकिस्तान ने ही उस हुकूमत को लाया है। तो मेरे ख्याल में अब जो है ना जो सिचुएशन है पाकिस्तान बेहतर दोस्त है। पाकिस्तान बेहतर दोस्त आपको लगता है कि रिसेंटली अभी जो उनसे हालात चल रहे थे आपने देखा होगा, जिलजिला आया था अफगानिस्तान में, सबसे बढ़कर मदद किसने की अफगानिस्तान की? वो जाहिर बात है पाकिस्तान ने ही की होगी, इंडिया ने की। इंडिया ने की। तो इंडिया ने इसलिए की क्योंकि जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में रिजिम चेंज हुआ है, रिजिम चेंज हुआ तो ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जो रिजिम चेंज का जो मामला है वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ है, क्योंकि इसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर जो है ना इंडिया को घुसने के लिए अब टाइम मिल गया है, अब उनको वो मौके की तलाश में था, अब उनको मौका मिल गया है। तो मेरे ख्याल में जो है ना अब वो इस चीज़ का फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठाएंगे कि वो वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ हर मुमकिन जो है ना वो वहाँ पे चापलूसी करेंगे। सही। तो जो उनसे अभी रिसेंटली अलकायदा का जो सबसे बड़ा लीडर था जिसको अफगानिस्तान ये समझ रहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरबेस देकर उसका कत्ल करवा दिया, उसको शहीद करवा दिया, क्या समझते हैं आपके इसके अंदर कि कितनी सच्चाई है? और इंडिया से हेल्प मांग रहा है कि जो का उनका सबसे बड़ा जो फॉरेन मिनिस्टर है जो तालिबान का, वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है कि भाई आप हमारी हेल्प करो, हमें ये जो उनसे क्राइसिस में फंसे हुए हमें इससे निकलवाओ, क्या समझते हैं कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर? इस बात में सच्चाई भी हो सकती है, पाकिस्तान दे सकता है एयरक्राफ्ट अमेरिका को? पाकिस्तान बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के पिट्ठू बैठे हैं सारे, इसलिए जो है ना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दे सकता है। मगर ऑन द अदर हैंड हम देखा जाए तो वाशिंगटन से ये बयान जा रहे सुबह कि हमने ये पाकिस्तान से नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान से जो है ना ड्रोन हमला उड़ाया था, इसके बाद जो है ना हमने वहाँ पर अटैक करवाए, तो ये उनका मौकफ़ है, अल्लाह जाने इसमें कितनी सच्चाई है। मगर पाकिस्तान जो है ना इमरान खान के अलावा कोई भी दे सकता है, अभी मुशरफ ने दिया, हमारा वो जो है ना जंग थी ही नहीं, उसमें हम कूदें कूदें। रिसेंटली जो बाइडन ने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, जो बाइडन ने अभी रिसेंटली थैंक यू किया पाकिस्तान के कि आपने हमें जो उनसे जो एयरक्राफ्ट दिया उसके वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, उसके हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का, उसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? उसमें ये बयान तो मैंने पढ़ा नहीं है, भारत मैंने यही बयान पढ़ा था कि जो है ना उन्होंने ये बयान जारी किया वाशिंगटन से, पेंटागन सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको नहीं ये मुमकिन है, मैंने पहले भी कहा यहाँ पे मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने बैठे हुए हैं वो जो है ना रिजीम चेंज का ही हिस्से हैं, तो ये दे सकते हैं, पहले भी दिया है, अब जाहिर बात है डॉलर भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब तो दाल में कुछ काला है, दाल अगर पूरी काली ना हो तो दाल में कुछ काला जरूर है। ये अलग सी बात है, ये सोचने वाली बात है, डॉलर 150 पर जाने वाला डॉलर अभी आप देखेंगे 224 पे आया हुआ है, क्या वजुहत लगती है कि डॉलर एकदम से ऊपर जाने वाला डॉलर को एकदम से ब्रेक लगी और वो नीचे आई जा रहा है? वही ना, जब इमरान खान थे तो उसने टीवी पे उनके नेशनल टीवी पे आकर कहा था कि अगर आप आडा मांगेंगे तो हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, जब एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो डॉलर ऊपर ही जाना था, फिर उन्होंने एक जो है ना पूरा ड्रामा किया, पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है ना कोई आदम तहरीक जो है ना वो कामयाब हुई, तहरीक आदम इत्मीनान, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है ना कुछ तो है जो हमसे छुपाए जा रहे हैं,
और एक हमारी फौज के खिलाफ एक हरदसराई भी कर रही थी, जो हेलीकॉप्टर गिरा था और जो जवान शहीद हुए थे 8-10, तो मुझे लगता है वो जो है ना इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। बहरहाल बाकी जो है ना मतलब दे सकते हैं, पाकिस्तान दे सकते हैं, दे सकता है। अगर हम इस तरह करते रहे अपने जो दोस्त ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक हैं उनके खिलाफ अपने खिलाफ करते रहे तो क्या लगता है कि क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? अगर हमारे हमसाये के साथ अगर हम इस तरह करेंगे तो मामला अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बैठे हुए बिल्कुल मतलब जो है ना यहाँ पे वो करने के लिए उनको मौका नहीं मिला, ये भी सच्ची बात है। अब जो रिजीम वहाँ पे चेंज हुआ था उसमें उसके बाद जो है ना पाकिस्तान में कुछ इमेज बिल्ड हुआ था कि वक्त में पाकिस्तान और उनकी दोस्ती बढ़ रही है, मगर इमरान खान के जाने के बाद अब मुझे लगता है कि हमारे हालात जो है ना उनके साथ ख़राब होती जा रही है। अब इंडिया को हमें ये बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए कि वो वहाँ पे घुसे और पाकिस्तान के खिलाफ वो जिस तरह कुलभूषण यादव ईरान से आए और वो मौका दे रहे हैं ना इंडिया को, तो हम खुद मौका दे रहे हैं भाई, उनका तो कोई कसूर ही नहीं, कसूर सारा हमारा अपना कि हम दूसरी कंट्री को कह रहे हैं भाई आप यार मुझे मार, मेरे दुश्मन बन जाओ सबके सबके। आपको लगता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर हम किसी को अपना दुश्मन करार दे के हम खुद कामयाब होकर हम खुशी को अपनी जो खुशहाली से जिंदगी गुजार सकते, लगता है आपको? इसको इस पे जो है ना मेरा टोटली डिफरेंट टेक ऑन है। इस पे जो है ना मुझे लगता है इंडिया के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, इंडिया के साथ अफगानिस्तान हो ईरान हो जो भी हो जो मुल्क हो हमें जो है ना दोस्ती का हाथ फैलाना चाहिए। यार हम दोस्ती करें इंडिया के साथ, अभी जो है ना आप इंडिया कहाँ पे लाई कर रहे हैं और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, हम जो है ना उनकी करेंसी डबल ट्रिपल पावरफुल है और हमारी जो करेंसी है वो दिन ब दिन जो है ना नीचे जाती जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है हमें इंडिया के साथ भी एक पॉजिटिव जो है ना टेबल टॉक करना चाहिए। ये जो है ना मेन मसला जो है ना वो कश्मीर का है, अभी पाकिस्तान यहाँ पे हमारे जो कश्मीर है गिलगित बल्तिस्तान वो नहीं चला सकते तो वो दूसरी साइड से लेके क्या चलाएंगे? आप जो है ना सच आप सोचें कि अगर कश्मीर पे वहाँ पे रेफरेंडम करे तो वो तैयार होंगे पाकिस्तान में आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ से जो है ना इधर शिफ्ट होंगे। तो एक टेबल टॉक के जरिए जो है ना ये मामला सुलझाना चाहिए हमें, कुछ ले दे के जो है ना, हालांकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती बढ़े, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है ना दोस्ती करना चाहता है तो इस पे सबसे नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि ये जो है ना ये दोनों का आगे जाएंगे, वो जो है ना हमें कश्मीर को दिखा के LOC को दिखा के हम जो है ना आपस में लड़वा रहे हैं, हम चाइना से बंदूक के सामान खरीदते हैं और इंडिया जो है वो अमेरिका से खरीदता है, दोनों का नुकसान हो जाएगा ना अमेरिका का। ये साफ बात है, दोनों का जो है ना पाकिस्तान और इंडिया दोनों का नुकसान हो रहा है और इसमें जो है ना वो दूसरे जो है ना वो फायदा उठा रहे हैं। हम बेवकूफ़ नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पास अकल नहीं है ना, खुद ब खुद हम सोच सकते हैं। असल में हमारे पास डिप्लोमेसी नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी ये भी जो है ना कुछ हद तक हमारे पास वो पाकिस्तान में इतनी डेमोक्रेसी नहीं है जितनी जो है ना होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना हम इंडिया के साथ दोस्ती करें, जो भी हो सिर्फ इंडिया नहीं अफगानिस्तान के साथ भी आप टेबल टॉक करें, अगर वहाँ पे कोई दहशतगर्द है तो ये उनका अपना मामला है, पाकिस्तान इसमें कभी ना घुसे। 70,000 जाने जो है ना पाकिस्तान ने ऑलरेडी कुर्बान कर दिए, तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जो है ना फिर हमें घुसना चाहिए। यार हम बर्दाश्त करेंगे कोई बात नहीं, हम महंगाई बर्दाश्त की, डॉलर ऊपर जाए जाने दें, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम जो है ना इंशाल्लाह अपने पाँव पर खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अगर वो कुव्वत मर्दान हो तो क्या नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया यार, बहुत नॉलेज मिली, बहुत नॉलेजेबल बंदा हमें मिला, बहुत शुक्रिया जो जिसने टोटली फैक्ट्स के ऊपर बात की, ना किसी के साथ दिया, ना इस देर साथ दिया, ना किसी के साथ दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग होते हैं आपके जैसे न्यूट्रल माइंड रखने वाले, थैंक यू सो मच। बिजनेस करता हूं माशाल्लाह, वेरी नाइस। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा है या नहीं मुश्किल हालात में? मुश्किल हालात में जिस तरह उन पर जब भी मुश्किल हालात आते हैं तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे ना सेहत के हवाले से कोई फैसिलिटीज़ है, तकरीबन कोई पीछे 60-70 साल से अफगानिस्तान में एक सूरत हाल है जंग का पहले, तो इसी वजह से जितने भी IDPs हैं वो यहाँ पाकिस्तान पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे ऊपर बोझ पड़ता है उन लोगों का, तो जाहिर बात है पाकिस्तान हर टाइम उनके साथ खड़ा हुआ। सर रिसर्च तो कुछ और कहती है, अगर हम बात करेंगे पिछले टाइम्स की जब अफगानिस्तान के ऊपर मुश्किल हालात चले, पाकिस्तान के अपने भी हालात नो डाउट के बहुत खराब जा रहे हैं इस टाइम, किसी के भी कंट्री के हेल्प करने के लायक नहीं है। तो अभी रिसेंटली देखा गया कि अफगानिस्तान में जो उनसे उनका अलकायदा का जो बहुत बड़ा लीडर था, अफगानिस्तान ये समझता है कि अमेरिका को हमने एयरबेस दिए, यहाँ से उसने अपने ड्रोन भेज कर वहाँ पर धमाका करवा कर वहाँ पर हलाक करवा दिया जो अलकायदा का बहुत बड़ा लीडर था, इस वजह से अफगानिस्तान ये समझता है, तो वो ये समझ कर इंडिया से अपनी हेल्प मांग रहा है कि इंडिया को कह रहा है कि हम जो पोलिटिकल इकोनॉमिकल क्राइसिस है क्राइसिस में फंसे हुए हमें इससे निकालो। क्या समझते हैं आपके अफगानिस्तान का दोस्त अभी भी पाकिस्तान है या फिर इंडिया? नहीं, इंडिया उसका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता है, हमेशा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है, ये बात सिर्फ इल्ज़ाम हद तक है और कोई इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना एक है स्टैंड है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई जो है ना मुदाखलत नहीं है इस मामले में। रिसेंटली अफगानिस्तान के ऊपर जिलजिले, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान का बहुत बुरा हाल हो गया था, पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान हेल्प नहीं कर सका, तो इंडिया ने गंदम के ट्राले ट्रक भर भर के भेजे, बहुत इमदाद की, क्या वजूहत लगती है आपको, इन सब का क्या नतीजा है, आप क्या समझते हैं आपकी नज़रों में क्या इन सब का क्या नतीजा? नहीं नहीं, वो तो पाकिस्तान ने भी भेजे थे, इमदादी टीमें भेजी थी, इसमें KPK से डॉक्टर भी गए थे, यहाँ पे से भी सामान गया था, ये तो हर जो उनसे भी मुल्क में आफत आते हैं तो एक दूसरे के हेल्प करते हैं। ये अफगानिस्तान के साथ जो है ना ये पाकिस्तान का काफ़ी पुराना जो है ना सिस्टम में चलता है, क्योंकि हमारा उसके साथ काफ़ी बॉर्डर लगा हुआ है, तो हम इस तरह नहीं सोचते, लेकिन उन लोगों की अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान जो है ना हर टाइम जो है ना उनके साथ खड़ा रहा, हर चीज़ में मदद की।
कहीं अफगानिस्तान को ये तो नहीं लगता हमारे जो जो हालात खराब है इस टाइम, इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, आपको ये सब कुछ देखते हुए कहीं अफगानिस्तान को भी तो ये तो नजर तो नहीं आ रहा कि हमसे ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा हमारी अच्छी हेल्प इंडिया कर सकता है? इसीलिए देखा जाता है जो खबरें बताती है, जो कि रिपोर्ट्स बताती है, अफगानिस्तान के भी ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ है, ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि वहाँ पे इंडिया की एजेंसीज काम करती हैं, ठीक है ना, बाकायदा जो है ना वहाँ पे उन लोगों का कैंपेन चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में, तो इसी वजह से उन लोगों के अंदर थोड़ा सा जहर भरा हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मामला आगे जाएंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जहर किस वजह से भरा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ इसी वजह से जहर भरा गया जिस तरह जो है ना पीछे से अफगानिस्तान में जंग चल रही है, तो उन लोगों को ये ट्रेंड किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है ना अपने बेसिस दिए हुए, पाकिस्तान की तरफ से आपको ड्रोन अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान के जो भी कुछ हो रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, लेकिन ये बात गलत हो। ये अब अमेरिका की भी न्यूज़ टाइम ने भी ये रिपोर्ट शाया की थी कि जो बाइडन ने कहा था कि जो थैंक यू सो मच अब पाकिस्तान के आपका हमें एयरक्राफ्ट देने के लिए, हमें जो कि कामयाब करवाने के लिए अपने मकसद के ऊपर, क्या वो उनकी खबर झूठी थी, क्या ख्याल लगता है आपको? वो जो बाइडन जो है ना अभी तक वहाँ पे आपको अगर आप सर्च करेंगे तो अभी इंतखाबात का भी जो है ना टाइमिंग आ रहा है, तो आपने वोट बैंक के लिए कर रहा है जिस तरह वो चाइना और इस टाइम अमेरिका भी चल रहा है, ये जब भी इलेक्शन करीब आते हैं इस तरह जो है ना हरकतें करते रहते हैं, तो इसमें कोई इतना जो है ना नहीं है सदाकत इसमें। क्या समझते हैं आपके इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो के हालात ख़राब हैं इनको सही होना चाहिए, यानी हमें सुलह कर लेनी चाहिए कि नहीं, एक मुआहदे पर एक टेबल टॉकिंग कर लेनी चाहिए कि नहीं अपने हालात को सही करने के लिए? अगर हालात पाकिस्तान, अगर टेबल टॉक की बात कर रहे हैं ना, अगर ये पाकिस्तान के हक में या मुल्क और कौम की मफाद में तो करनी चाहिए, ओवरऑल नहीं करनी चाहिए, हमें मफादात से हटकर भाईचारा नहीं देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमसाएँ चाहे जैसे मर्जी हैं। आप देखेंगे यूरोप कंट्री में चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, स्पेशल मैं बात करूंगा यूरोप की, आप सिर्फ और सिर्फ जर्मनी का वीज़ा ले लें, आप 21 यूरोप कंट्री में विदाउट वीज़े के जा सकते हैं। हम तो साथ साथ हैं, हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ ये मसला कश्मीर है, इसको हल करवा के क्या हम भाईचारे का सबूत नहीं दे सकते? वो लोग इधर आए हम लोग उधर चले जाएँ, एक अगर हो जाए तो अच्छा नहीं है? वो कर सकते हैं, वो जितने भी आलमी बॉर्डर्स है वो इसी तरह ही है जिस तरह जापान की आपने और इस तरह स्पेन वगैरह की आपने मिसालें दी, उनकी तरफ तो हम जो है ना सिर्फ सोच सकते हैं, उनके साथ उनकी तरह कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी दो आंखें, हमारे पास भी एक मुंह, हमारे पास भी सोचने की सलाहियत, हाथ भी वहीं, कान भी वहीं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे जज्बा दिमाग क्या है हमारे? ये तो मुल्क के जो बड़े उन लोगों के ही सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि हमारी सुलह होनी चाहिए या जंग होनी चाहिए इंडिया के साथ? मुल्क के मफाद में सोचनी चाहिए, मुल्क के मफाद में सोचनी चाहिए। आप अपना अपना मैं आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए या सुलह करनी चाहिए? जंग में किसी भी मुल्क का फायदा नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा हूं। नहीं, जंग में किसी भी मुल्क का फायदा नहीं है, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान जो है ना क्राइसिस से गुजर रहा है और भी क्राइसिस में चला जाएगा, जंग के हक में इस टाइम पाकिस्तान नहीं है, जंग के हक में दुनिया का हमारा नहीं है जंग का, बिल्कुल किसी भी कंट्री का कोई भी फायदा नहीं हो सकता, जंग में सिर्फ तबाही है। आप मिसाल ले लें कि जापान ने अभी डेवलप हो गया, मोस्ट डेवलप कंट्री में से जापान भी आता है, अमेरिका ने जब नागासाकी के ऊपर बम गिराया तो अभी भी उधर बच्चे जो न्यूक्लियर बम फेंका था अभी भी बच्चे लूले लंगड़े और किसी के हाथ नहीं किसी का दिमाग सेट नहीं हो ऐसे पैदा होते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे और इंडिया के दरमियान जंग होती है, क्या लगता है दोनों जो न्यूक्लियर पावर रखने वाले कंट्रीज है क्या आपको नताइज लगते हैं? जो एशिया की सबसे बड़ी जंग होगी इसमें जो है ना एशिया की सबसे बड़ी तबाही होगी, हम भी मुतासर होंगे, उन लोगों के जो हमारे नेबलर है उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ये न्यूक्लियर जंग इसके हक में कोई भी नहीं आ सकता। और दूसरे आपने जापान की बात की तो एक वक्त एक ऐसा था कि पाकिस्तान जो है ना जापान के हेल्प कर रहा था, बिल्कुल सही बात है। अभी देखो जापान कहाँ पहुँचा हुआ, हमारे पास जो 90% जो गाड़ियाँ वो जापानी गाड़ियाँ हैं, टोटल आप देखें टोयोटा देख ले किधर का, होंडा देख ले आप किधर का, जापानी गाड़ी है, लेकिन वहाँ पर जो है ना जापान में ना भुट्टो जिंदा है ना शरीफ फैमिली है, इधर हम जो है ना ये केल में फंसे हुए हैं, ठीक है ना, अभी तक उससे नहीं निकल रहा है, जिस दिन हम इससे निकल जाएंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा वरना नहीं। क्या लगता है कि इन सब के हालात के बीच में कौन सा पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहेगा जो कि पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को पार करवा सकता है इस टाइम के अंदर? इस टाइम के एक कैटेगर गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान के लिए और जो मुल्क के लिए जो है ना काम अच्छे करे, वैसे और हाल नहीं है, जितने भी है सियासत में इस टाइम वो सिर्फ जो है ना कुर्सी के पीछे भाग रहे सारे, लेकिन इस टाइम मुल्क के हालात के लिए कोई नहीं सोचता। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? आपने व्यूवर्स के लिए यही कि पाकिस्तान के साथ। सो गाइज ये थी वीडियो, मतलब कि उन लोगों को ये गलत फहमी है कि अफगानिस्तान की वो हेल्प कर रहा है, अगर मतलब अफगानिस्तान के कोई मतलब पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस डाउन होते हैं या वहाँ पर कोई सिचुएशन खराब होती है तो पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़े हैं। तो हाँ ये मैं मानती हूँ कि खड़े जरूर होंगे, लेकिन वो उनके खड़े होने की वजह से ही उनके इकोनॉमिक क्राइसिस डाउन जाते होंगे, मतलब वहाँ पर जो भी सिचुएशन खराब होती होगी वो इनके साथ ये लोग साथ में खड़े हैं शायद इस वजह से हो जाते होंगे, क्योंकि ये तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर डाउनफॉल ही होगा, कुछ अपग्रेड तो होने से रहा, कुछ ग्रोथ तो होने से रही, तो ये और ऑब्वियस सी बात है यार, इंडिया हर किसी कंट्री मतलब हर एक कंट्री का हेल्प कर रहा है, तो अफगानिस्तान ऑब्वियसली इंडिया के पास ही आएगा हेल्प मांगने के लिए, पाकिस्तान के पास कोई क्यों जाएगा? पाकिस्तान के पास
उनको ऑलरेडी पता है कि वो पाकिस्तान के पास जाएंगे तो उनकी हेल्प तो कुछ नहीं होगी, इनफैक्ट उनको खुद को हेल्प करनी पड़ जाएगी पाकिस्तान वालों की, क्योंकि पाकिस्तान में ये ऐसे हालात चल रहे हैं। और रही बात इनकी मुल्क की, अभी जो इन्होंने एक बात बोली कि हम क्यों नहीं कुछ कर सकते, हमारे पास भी दो आंखें हैं, हमारे पास भी एक मुंह है, हम लोग भी सोच सकते हैं, बट इन्होंने ये नहीं बोला कि इनके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि आंखें और मुंह तभी चल पाएगी जब कुछ दिमाग में कुछ आएगा, और दिमाग जिसके पास नहीं होता है उसकी आंखें और मुंह का कोई फायदा नहीं होता है। इंसान आंखों के बिना भी जिंदगी जी सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऑब्वियसली हर किसी को अपनी लाइफ जीने का एक तरीका पता होता है, एक आदतें होती हैं उनकी, जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो लोग भी अपनी हर चीज को परफेक्टली मैनेज करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास दिमाग है। और ये लोगों के पास सब कुछ होते हुए सब कुछ है लेकिन दिमाग नहीं है, तो ये कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। होता तो शायद आज कुछ थोड़ा बहुत अपना अपग्रेड कर लेते अपनी कंट्री को, तो बहुत बुरे हालात हैं। और इंडिया के पास ही आएगा ऑब्वियसली, अफगानिस्तान को अगर हेल्प चाहिए होगी तो अफगानिस्तान ने हेल्प मांगी भी है इंडिया से, और अफगानिस्तान एक बेटर ऑप्शन इंडिया को ही समझता है कंपैरिजन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो उसके मतलब लिस्ट में काफी डाउन आता होगा, आई होप सो एंड आई थिंक सो, ऐसा ही होगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सबको वीडियो पसंद आया है और मुझे आप लोगों के विचार जानने हैं कि इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, कि अफगानिस्तान किसके ज्यादा क्लोज है, पाकिस्तान के या इंडिया के। आई नो आप लोग इंडिया ही बोलोगे, बट मुझे ऑनेस्ट आंसर्स चाहिए, मतलब आप लोगों को सीरियसली क्या लगता है। अगर आप लोगों को उसके बारे में गूगल करना पड़े तो भले ही कर लेना, लेकिन ऑनेस्टली बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि किसके ज्यादा क्लोज है अफगानिस्तान और इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया हमेशा हेल्प ही करता है, और आई थिंक कभी पाकिस्तान भी अगर हाथ फैला के भीख मांगने मतलब हेल्प मांगने आएंगे तो इंडिया पाकिस्तान वालों की भी हेल्प कर ही देगा। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है, और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप और भी वीडियोज़ ऐसे देख सको, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के वीडियोज़ अवेलेबल हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, कि पाकिस्तान की फनी वीडियोज़, पाकिस्तान की नॉनसेंस वाली बातें, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो देखनी है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट देते रहो, ऐसे ही अपना ध्यान रखते रहो जैसे आप रखते आ रहे हो हमेशा से। तो थैंक यू गाइज।